नमस्कार, आप देख रहे हैं मेट्रो मुंबई और वक्त हो चला है मुंबई की 10 बड़ी खबरों का। तो आइए नजर डालते हैं आज की मुंबई के टॉप 10 की बुलेटिन की। मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे ने आज सुबह ट्वीट कर सभी को चौंका दिया। राज ठाकरे ने ट्वीट करी जानकारी दी कि 5 जून को उनका होने वाला अयोध्या दौरा रद्द कर दिया गया है। ये सूत्रों के हवाले से ये जानकारी सामने आ रही है कि राज ठाकरे की तबीयत खराब होने की वजह से इनका ये दौरा रद्द किया गया। मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे ने अपना अयोध्या दौरा टाल दिया। राज ठाकरे ने सोशल मीडिया पर दौरे को स्थगित करने की घोषणा की। राज ठाकरे 5 जून को अयोध्या जाने वाले थे, फिलहाल दौरे को टाल दिया गया। राज ठाकरे 22 मई को पुणे में होने वाली बैठक में अयोध्या के अपने दौरे का विस्तृत ब्यौरा दी। राज ठाकरे ने शुक्रवार सुबह ठीक 10 बजे ट्वीट कर इसकी जानकारी दी। राज ठाकरे ने आधिकारिक तौर पर घोषणा की कि वो अपना अयोध्या दौरा स्थगित कर रहे हैं। अब राज ठाकरे की बैठक 22 मई को पुणे में होगी। पुणे जनसभा के लिए मनसैनिकों द्वारा जोरदार तैयारियां की जा रही है। इस बैठक में राज ठाकरे अपने अयोध्या दौरे पर विस्तृत जानकारी देंगे। राज ठाकरे के अयोध्या दौरे का बीजेपी सांसद बृजभूषण शरण सिंह ने विरोध किया था। उन्होंने मांग की थी कि राज ठाकरे को उत्तर भारत के लोगों से माफी मांगनी होगी। राज ठाकरे पर बृजभूषण सिंह ने उत्तर भारतीयों का अपमान करने का आरोप लगाया था। मेट्रो मुंबई के लिए राजेश सोनी की रिपोर्ट। वाराणसी के ज्ञान व्यापी मस्जिद पर आज एक अहम फैसला आया, जहां सुप्रीम कोर्ट ने ये पूरा मामला अब सिविल जज के हाथों ट्रांसफर कर दिया है और अब सुप्रीम कोर्ट इस मामले पर 6 जुलाई को ही फैसला लेगी। यानी सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर कह दिया है कि ज्ञान व्यापी मस्जिद पर जो भी फैसला होगा वो सिविल जज के कोर्ट ही तय करेगी, यानी वाराणसी जिला कोर्ट ही तय करेगी। इसके साथ ही शिवलिंग को भी सुरक्षित रखने के लिए कहा गया है और नमाज अदा करने पर भी किसी तरह की रोक नहीं लगाई गई है। ज्ञान व्यापी मामले में सुप्रीम कोर्ट में शुक्रवार को सुनवाई हुई। जस्टिस चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली 3 जजों की पीठ ने मामले की सुनवाई के बाद केस जिला जज वाराणसी को ट्रांसफर कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने डिस्ट्रिक्ट जज की प्राथमिकता के आधार पर रखरखाव का मुद्दा तय किया जाएगा। कोर्ट ने कहा कि 17 मई का आदेश 8 हफ्ते तक जारी रहेगा। इस बीच इलाहाबाद हाई कोर्ट में भी इस मामले में सुनवाई हुई। अगली सुनवाई के लिए इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 6 जुलाई की तारीख दे दी। वहीं वाराणसी के ज्ञान व्यापी मस्जिद में जुम्मे की नमाज आज शांति से अदा की गई। ज्ञान व्यापी के फुल हो जाने की वजह से नमाजियों को दूसरी मस्जिद में भेजना पड़ा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ज्ञान व्यापी मामले में ट्रायल कोर्ट में सुनवाई जारी रहेगा। सुप्रीम कोर्ट ने मामला जिला जज को ट्रांसफर कर दिया। ट्रायल कोर्ट तय करेगा कि हिंदू पक्ष की याचिका सुनवाई योग्य है या नहीं। मामले की सुनवाई 3 जजों द्वारा की गई। ज्ञान व्यापी मस्जिद पर सुप्रीम कोर्ट ने यह भी आदेश दिया है कि शिवलिंग को सुरक्षित रखा जाए और नमाज अदा करने में किसी भी तरह की रुकावट न आए। सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के मुताबिक ज्ञान व्यापी में वजू की पर्याप्त स्थिति जिला अधिकारी तय करेंगे। धार्मिक आयोजनों की समुची व्यवस्था की जाएगी और इस मामले को यूपी जुडिशियल सर्विसेज के सीनियर मोस्ट अधिकारी के समक्ष सुनाया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, मेट्रो मुंबई। आज मुंबई से बेंगलुरु जा रही एयर इंडिया की विमान 27 मिनट के बाद ही उसे एक बार फिर मुंबई एयरपोर्ट पर इमरजेंसी लैंडिंग करने के लिए उतारना पड़ा, क्योंकि बीच में ही विमान का एक इंजन फेल हो गया। हालांकि कुछ देर बाद ही सभी जो यात्री विमान में सवार थे उन्हें सुरक्षित उतार कर दूसरे विमान में शिफ्ट कर दिया गया। मुंबई से बेंगलुरु जा रही एयर इंडिया की उड़ान को गुरुवार सुबह उड़ान भरने के बाद शहर लौटना पड़ा, क्योंकि उसके 2 इंजनों में से एक इंजन बंद हो गया था। डीजीसीए ने कहा कि एयर इंडिया की उड़ान को सुबह 10:45 बजे विमान के रवाना होने के कुछ ही मिनट बाद तकनीकी खराबी के बाद वापस लौटने के लिए मजबूर होना पड़ा। मामले के करीबी सूत्रों का हवाला देते हुए रिपोर्टों से पता चलता है कि टेक ऑफ के तुरंत बाद पायलटों को कॉकपिट में एक चेतावनी मिली, जो बेहद उच्च निकास गैस तापमान और दाएं हाथ के साइड इंजन के लिए एक स्टॉल चेतावनी का संकेत देती है। एयरपोर्ट पर एम्बुलेंस और दमकल की गाड़ियां खड़ी थी और विमान को सुरक्षित उतार दिया गया। इंजन की तस्वीरें काफी कुछ कंप्रेसर ब्लड कतरने के साथ गंभीर क्षति से पता चलता है। एक सूत्र ने कहा कि विमान को जमीन पर उतार दिया गया। एयर इंडिया A320 नियो विमान को CFM लीप इंजन द्वारा संचालित किया जाता है। इंडिगो और गो एयर विमान के प्रैट एंड विटनी A320 नियो इंजनों के विपरीत इसमें तकनीकी समस्या नहीं थी। 2016 में शामिल होने के बाद PW नियो इंजन को कई गंभीर मुद्दों का सामना करना पड़ा। यात्रियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए ये फैसला लिया गया ताकि उनकी जान पर किसी भी तरह की हानि न पहुंचे।
वहीं कुछ ही देर में उनके लिए दूसरा एयरक्राफ्ट भी अरेंज कर दिया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, मेट्रो मुंबई। दक्षिण मुंबई में बीएमसी एक नया ब्रिज बनाने की योजना बना रही है, जिससे ट्रैफिक को काफी निजात मिलेगा, लोगों की समस्या काफी हद तक हल होगी और वर्ली इलाके से गुजरने वाले मुंबई वासियों को ट्रैफिक की समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। बीएमसी ने दक्षिण मुंबई के वर्ली इलाके में ट्रैफिक व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए डॉक्टर ई मोसेस रोड से डॉक्टर एनी बेसेंट रोड के बीच एक नए ब्रिज का निर्माण करने का फैसला लिया। ये ब्रिज नेहरू विज्ञान केंद्र और नेहरू तारामंडल क्षेत्र के बीच से होकर गुजरेगा। कुल 589 मीटर लंबे ब्रिज के लिए टेंडर प्रक्रिया चल रही है। सुझाव और आपत्ति प्रक्रिया खत्म होने के बाद काम शुरू होगा। मनपा के मुताबिक ब्रिज के साल 2024 तक बनकर तैयार होने की उम्मीद है। स्कूल के बनने के बाद एनी बेसेंट रोड से डॉक्टर ई मोसेस रोड लव ग्रोव पंपिंग स्टेशन के बीच ट्रैफिक कम हो जाएगा। वही ट्रैफिक कम होने से यात्रा का समय भी बचेगा। वर्ली नाका एक प्रमुख जंक्शन है जो लोअर परीन, महालक्ष्मी और प्रभा देवी को जोड़ता है। नेहरू विज्ञान केंद्र से सटी नाली पर 280 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से 18.3 मीटर चौड़ा ये 589 मीटर लंबा पुल बनाया जाएगा। क्योंकि वर्ली जंक्शन एक प्रमुख जंक्शन है, यहां अक्सर भीड़भाड़ और ट्रैफिक की समस्या रहती है, इसलिए यातायात को सुलभ बनाने के लिए ये पुल बेहद जरूरी बताया जा रहा है। मेट्रो मुंबई के लिए राजेश सोनी की रिपोर्ट। मुंबई में जहां प्री मॉनसून का अनुमान गलत साबित हुआ है, वहीं महाराष्ट्र में अब मौसम विभाग ने 7 से 8 जून के बीच बारिश का अनुमान जताते हुए कहा है कि इस बार मॉनसून जैसे मुंबई में जल्द आने वाला है, देश के अलग अलग इलाकों में जल्द आने वाला है, वैसे ही महाराष्ट्र में भी 7 से 8 जून को मॉनसून आने का अनुमान लगाया गया है। महाराष्ट्र में रहने वालों को जल्द ही राहत मिलने वाली है। पिछले 3 महीने से बढ़ती गर्मियों का कहर अब जल्द ही ठहर जाने वाला है। महाराष्ट्र में 5 जून को मॉनसून दस्तक देने वाला है। भारतीय मौसम विभाग ने ये अनुमान जताया है। दक्षिण पूर्वी मौसम का अंडमान में यानी बंगाल की खाड़ी में 16 मई को आगमन हो चुका है। साथ ही केरल में अगले हफ्ते के आखिर तक मॉनसून की दस्तक की बात मौसम विभाग कह चुका है। महाराष्ट्र के बारे में अब मौसम विभाग ने अनुमान जताया है कि 5 जून से लेकर 8 जून के बीच मॉनसून की एंट्री हो जाएगी। राज्य में खरीफ के मौसम का जायजा लेने के लिए बुलाई गई बैठक में भारतीय मौसम विभाग विशेषज्ञ ने ये जानकारी दी। बैठक इस मुद्दे पर आयोजित की गई कि खरीफ की फसल को इस बार जरूरत के मुताबिक बारिश होगी कि नहीं। इस बैठक में दी गई जानकारियों के मुताबिक आगामी 5 जून तक महाराष्ट्र के कोकण समुद्रीय इलाकों के पास दस्तक देगा और 7 से 8 जून तक महाराष्ट्र के कई इलाकों में छा जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, मेट्रो मुंबई। आज मुंबई के पॉश इलाके बांद्रा से एक बुरी खबर सामने आ रही है, जहां एक 30 साल के रिक्शा चालक की भारी व्हीकल से टक्कर के चक्कर में मौत हो गई। हालांकि टक्कर के बाद इस रिक्शा चालक का सर कटकर काफी दूर तक फेंक दिया गया था। ये सारी घटना सीसीटीवी में भी कैद हो गई है। इस मामले की जांच करते हुए पुलिस ने आरोपी चालक को गिरफ्तार भी कर दिया। बांद्रा के रेक्लेमेशन के पास एक हैवी व्हीकल की चपेट में आने से एक 30 वर्षीय ऑटो रिक्शा चालक की मौत हो गई और उसकी रिक्शा में सवार एक महिला यात्री घायल हो गई। पुलिस को मृतक के पास से एक पहचान पत्र मिला और उसकी पहचान 30 वर्षीय पापू कुमार साफ के रूप में हुई। इस वारदात को अंजाम देने के बाद फरार आरोपी चालक को बांद्रा पुलिस ने कुछ घंटों के बाद गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के अनुसार घटना सीलिंग टनल के पास हुई थी। पुलिस की टीम मौके पर पहुंची तो देखा कि फुटपाथ पर ऑटो रिक्शा बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई है। उन्होंने ड्राइवर को लीलावती अस्पताल की ओर जाने वाली सड़क पर पड़ा देखा। पुलिस ने कहा कि उसका सिर उसके शरीर से 4 फुट दूर पाया गया। बांद्रा पुलिस स्टेशन के वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक राजेश देवरे ने बताया कि पुलिस ने आरोपी चालक के खिलाफ जल्दबाजी और लापरवाही के मौत का कारण बनने के लिए प्राथमिकी दर्ज कर आसपास के सीसीटीवी कैमरों की मदद से आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और आगे की जांच जारी। रिपोर्ट, मेट्रो मुंबई। अलग अलग तरीकों से मौत की खबरें तो आपने सुनी होंगी, लेकिन क्या आपने कभी सुना है कि ढोकला खाने से किसी की मौत हो गई है? दरअसल मुंबई में एमबीबीएस की पढ़ाई कर रही, डॉक्टर के पद पर जॉब कर रही एक 30 साल की लड़की की ढोकला खाने से मौत हो गई। ये मामला छिंदवाड़ा से सामने आया, जहां लड़की ने जैसे ही ढोकला खाया उसके कुछ ही देर बाद अस्पताल में लड़की को मृत घोषित कर दिया गया। मौत कब और कैसे आ जाए इसके बारे में किसी को पता नहीं होता है, लेकिन तब क्या होगा जब आपके खाते वक्त अचानक मौत आ जाए या आपके खाने के बाद मौत आए? आपने सही सुना,
जिस लड़की की आज शादी होने वाली थी उसकी नाश्ते के दौरान ही मौत हो गई। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा जिले में ढोकला खाने के बाद एक दुल्हन की तबीयत ऐसी बिगड़ी कि उसकी डोली की जगह अड़ती उठ गई। शादी के एक दिन पहले दुल्हन को नाश्ता करने के दौरान ठसका लग गया, यानी उसका खाना गले में अटक गया। पानी पीने के बाद उसकी हालत और बिगड़ गई। अस्पताल में जब उसे ले जाया गया तब उसकी तुरंत मौत हो गई, जिससे सब चौंक गए हैं। जिस लड़की की मौत हुई वो खुद पेशे से डॉक्टर थी और वो मुंबई में काम करती थी। छिंदवाड़ा के पश्चिम बुधवारी बाजार में रहने वाले काले परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। दरअसल एक दिन बाद जिस बेटी का दुल्हन बनकर डोली में उसे विदा करना था उसके घर से अर्थी उठ गई। SDOP संतोष देहारिया के मुताबिक बुधवारी बाजार में रहने वाले प्रमोद महादेवराव काले की पुत्री मेघा काले का 20 मई को शहनाई लान से विवाह था। इस बीच शादी की रस्म के दौरान मेघा काली ढोकला खा रही थी। ढोकला खाते समय उसका खाना अचानक ही गले में अटक गया। अटकने के बाद वो काफी देर तक खांसती रही। मौके पर मौजूद परिजनों ने उसे पानी पिलाया लेकिन उसकी हालत और बिगड़ गई, जिसके बाद उसे तुरंत अस्पताल ले जाया गया जहां उसकी मौत हो गई। जिसके बाद सभी रिश्तेदार और परिवार वाले अचंभे में हैं। मौके से नाश्ते के सैंपल लिए गए, उसे HFL जांच के लिए भी भेज दिया गया। ब्यूरो रिपोर्ट मेट्रो। कहते हैं अगर हौसले बुलंद हो तो आपको कोई भी नहीं रोक सकता। अगर आपने एक बार किसी चीज को ठानी हो, अपने लक्ष्य को ठाना हो, तो आपको उस लक्ष्य को पाने से कोई नहीं रोक सकता। और ऐसा ही कुछ हुआ है मलाड के एक पाव भाजी वाले के साथ, जिसका एक हाथ नहीं है लेकिन उसके बावजूद वो बिना किसी डर के, बिना किसी मदद के कैसे लोगों के बीच अपना प्यार जता रहा है, अपनी मेहनत को सामने ला रहा है। और इस पाव भाजी वाले से कैसे आप प्रेरणा ले सकते हैं, आइए देखिए इस रिपोर्ट में। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, ये मोटिवेशनल लाइन हम सभी ने कभी न कभी जरूर सुनी होगी। इन दिनों सोशल मीडिया पर कई बार ऐसे मौके आते हैं जब हमें कुछ इंस्पिरेशनल देखने को मिल जाता है। हाल ही में एक दिव्यांग शख्स का वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आया है, जिसमें एक हाथ के नहीं होने के बावजूद एक शख्स अपने परिवार के भरण पोषण के लिए काम करते नजर आ रहा है। सोशल मीडिया पर IAS अधिकारी सोनल गोयल ने यह वीडियो शेयर किया है, जो कि यूजर के लिए धैर्य और साहस को बढ़ाने की खुराक का काम करता नजर आ रहा है। वीडियो हर शख्स को कभी हार ना मानने के लिए प्रेरित करता दिख रहा है। वीडियो में एक दिव्यांग शख्स मुंबई के मलाड में अपने पाव भाजी स्टॉल पर काम करते दिख रहा है, जिसने की कुछ साल पहले एक दुर्घटना में हाथ पैर खो दिए। वीडियो को शेयर करने के साथ ही कैप्शन में सोनल गोयल ने लिखा, मेरी मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है, इनके साहस और जज्बे को सलाम। मितेश गुप्ता, जिन्होंने दुर्भाग्य से कुछ साल पहले एक दुर्घटना में अपना हाथ खो दिया था, लेकिन आज भी पूरे जोश के साथ मुंबई शहर के मलाड इलाके में पाव भाजी स्टॉल लगाते हैं। ऑनलाइन शेयर किए गए इस वीडियो को यूजर्स भी काफी प्यार दे रहे हैं। आपका क्या कहना है कमेंट कर जरूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट मेट्रो मुंबई। बॉलीवुड की धाकड़ क्वीन कंगना रनौत की फिल्म आज रिलीज हो गई है। धाकड़ फिल्म की रिलीज पर कई लोगों ने अच्छे रिव्यूज भी दिए, लेकिन इसी बीच एक दिन पहले कंगना रनौत ने अपने घर 3.5 करोड़ की मर्सिडीज कार को लाया है, जिसकी वजह से वो काफी खुश भी दिखाई दी। कंगना रनौत बीटाउन की सबसे सफल एक्ट्रेस में से एक बन गई है और कई सालों से टॉप पर भी कंगना रनौत छाई हुई है। ऐसे में ये बहुत ही जायज सी बात है कि उनकी फीस भी दूसरी कई एक्ट्रेस के मुकाबले काफी ज्यादा है। अपनी नेटवर्थ को फ्लेक्स करते हुए कंगना ने एक और शानदार कार कलेक्शन में शामिल कर ली है। हालांकि वह जिस तरह के कपड़े पहनकर कार लेने पहुंची वो गाड़ी से ज्यादा ध्यान खींचने वाला था। कंगना रनौत का ये लुक उनकी फिल्म धाकड़ के प्रीमियर के लिए था। हालांकि इस बीच उनको उनकी नई कार भी मिली। एक्ट्रेस ने ब्लैक कलर की मैक्सी लेंथ ड्रेस पहनी थी, जिसे शीयर मटेरियल से तैयार किया गया था। वैसे इस स्पेशल मोमेंट पर कंगना की पेरेंट्स से लेकर बहन और भांजा तक नजर आए, जो यकीनन पल को ज्यादा खास बना रहे थे।
इंटरनेट पर अगर इसकी कीमत की बात की जाए तो वो 2.5 करोड़ की आती है। हालांकि कई जगह इस मॉडल के लिए 3.2 करोड़ रुपयों की कीमत चुकाई जाती है। हालांकि आपको बता दें कि कंगना रनौत देश की पहली ऐसी सेलिब्रिटी बनी है जिसने ये महंगी गाड़ी खरीदी है। रिपोर्ट मेट्रो मुंबई। विरार में मनपा कर्मियों पर एक बार फिर फेरी वालों ने हमला कर दिया है, जहां अवैध टोलों को तोड़ने गए मनपा कर्मियों पर अवैध फेरी वालों ने डंडों से उनके साथ मारपीट की, जिसके बाद उसमें एक मनपा कर्मी बुरी तरह से घायल हो गया। इसके बाद आगे क्या होता है देखिए इस रिपोर्ट में। यह है पालघर का विरार इलाका, जहां स्टेशन से निकलते ही आपको अवैध फेरी वालों की भारी भड़कम भीड़ मिल जाएगी। इन फेरी वालों से पहले आम जनता तो परेशान थी, पर अब इन फेरी वालों ने सीधा मनपा कर्मियों पर ही हमला कर दिया। बुधवार को विरार रेलवे स्टेशन के पास बसे अवैध फेरी वालों पर जब मनपा कर्मी कार्रवाई करने पहुंचे तो फेरी वालों ने उन पर ही हमला कर दिया। इस हमले में एक मनपा कर्मचारी को चोटें भी आई। वहीं पुलिस ने हमला करने वाले 2 लोगों को गिरफ्तार किया। हमले के बाद मनपा आयुक्त अनिल कुमार के आदेश के बाद सुरक्षा व्यवस्था के साथ सभी अवैध स्टॉल तोड़े गए। आयुक्त ने कहा कि इस तरह हमला करने वाले फेरी वालों को बख्शा नहीं जाएगा और उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। जैसे ही बुधवार को मनपा अवैध फेरी वालों पर कार्रवाई करने पहुंची और उन्होंने उनका स्टॉल तोड़ना शुरू किया, वैसे ही 2 अवैध फेरी वालों ने मनपा कर्मियों पर डंडे से हमला कर दिया। इस हमले में एक मनपा कर्मचारी को गंभीर चोटें आई, जिसका पास के अस्पताल में इलाज किया गया। वही हमलावरों को हिरासत में लेकर आयुक्त के आदेश के बाद सभी अवैध स्टॉलों को तोड़ दिए गए। ब्यूरो रिपोर्ट मेट्रो मुंबई। तो ये थी आज की मुंबई की 10 बड़ी खबरें, यानी कि मेट्रो टॉप 10 बुलेटिन। मेट्रो मुंबई पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आगे की खबरों के अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए मेट्रो मुंबई। धन्यवाद।